तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं WWE के रो के बारे में, जो कि कल एपिसोड आने वाला है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कि रो का एपिसोड होने वाला है, ये काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है, बिकॉज ये डायरेक्टली लेट करने वाला है हमें WWE के अगले पेपर व्यू। और ये जो कि फर्स्ट एवर एपिसोड होने वाला है रो का, जो कि लास्ट टाइम हमें WWE का सुपर शोडाउन देखने को मिला था। तो मुझे पता है प्रीवियसली गाइस वीडियोस कम आ रही है क्योंकि आजकल मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब चल रही है, बट अब आई थिंक कुछ फर्क है और मैं पूरी कोशिश करूंगा वीडियो कॉन्स्टेंटली आती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो में हम बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं वर्मन, चलिए वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो हमें WWE जो की है द बैलर ट्विंस, जो कि उनका कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि बैलर ट्विंस और द रोंडा रोजी का काफी ज्यादा कुछ बढ़िया मैचअप हमें देखने को मिल रहा है। वहीं पर दूसरी साइड पे रोबी रॉयड्स का जो कि रॉयड स्क्वाड है, काफी ज्यादा बढ़िया टीम है वो भी। और यहाँ पे हमें जो की है शायद WWE एक ट्रायो कॉम्बो बनाती हुई दिख सकती है, जैसे कि शील्ड है उसी तरीके से रोंडा रोजी और दूसरे सुपरस्टार्स की अगर हम बात करें तो बैलर ट्विंस हमें वहां पे देखने को मिल सकती है। अब इस चीज के बारे में बात करते हैं तो और भी काफी ज्यादा कुछ हो सकता है वुमेन्स डिवीजन में, जैसे कि मैचेस के बाद हमें डायरेक्टली लेट करेगा वो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो वो जो कि अपडेट है शॉन माइकल्स, अंडरटेकर, ट्रिपल एच और द केन के ऊपर। अब जैसे कि हमें ये लास्ट डे वाले शो जो कि हमें देखने को मिला था, क्राउन ज्वेलर्स या फिर ये सब जो कि एनिमल टाइम है वहाँ पे लेट करने को मिल सकता है। अब सुपर शोडाउन में जो कि मेन इवेंट काफी ज्यादा बढ़िया था, अब चांसेस है जैसे कि शॉन माइकल्स है अब वो WWE के रिंग में वापिस आ सकते हैं, ये बात तो है। उसी के साथ जो कि अंडरटेकर का तो पता नहीं, बट केन जो कि वो WWE में कंस्टेंटली दिखने वाले हैं। तो हमें जो कि ये स्टोरी लाइन शायद आगे बढ़ती हुई चलती हुई दिख सकती है, जो कि हमें आज की रो पे देखने को मिलेगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो जो कि होने वाला है शील्ड के बारे में, तो अब जो कि शील्ड का कुछ नई चीज हमें देखने को मिलेगी, या तो शील्ड जो कि है प्रॉपरली बन जाएगी या फिर शील्ड में कुछ डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। जैसे कि WWE के सुपर शो डाउन पे हमने देखा कि रोमन रेंस ने डीन एम्ब्रोस को सुपरमैन पंच मार दिया। अब देखते हैं डीन एम्ब्रोस किस तरीके से वैसे रिएक्ट करते हैं और काफी कुछ हो सकता है और डीन एम्ब्रोस की सीज। और यहाँ पे हमें दोबारा से वही कुछ देखने को मिल सकता है, शील्ड के ऊपर अटैक हो सकता है। तो शील्ड से रिलेटेड जो कि मेन इवेंट होने वाला है, तो बहुत कुछ देखने के लिए यहां तक वीडियो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के जरूर चेक कर। तो आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं वर्मन।